हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो मिश्रपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मुखम करोति वाचालं पंगुं लंगायते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंदमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। ओके, तो यहाँ बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है। तो यूथ प्रीचिंग जो है नारद मुनि के टाइम से चल रही है और हमारे यूथ आइकॉन है नारद मुनि जी, क्योंकि इतने बड़े बड़े कैंप वो ऑर्गेनाइज करते हैं और वहां पर 100% रिटेंशन के साथ ब्रह्मचारी बनाते हैं। तो ये बहुत ही अद्भुत यूथ प्रीचिंग करते हैं वहां से हमारे नारद मुनि जी। तो नारद मुनि को अक्सर लोग दिखाते हैं मूवी में एज अ क्लाउन दिखा देंगे, उनकी चोटी ऐसे खड़ी हुई है, नारायण नारायण अरे ये क्या चल रहा है। पर नारद मुनि ऐसे नहीं है, he is not a clown, he is an acharya, वेरी वेरी पावरफुल आचार्य। ऐसे पावरफुल आचार्य के मतलब 10,000, 1,000 ये तो ऐसे मतलब भक्त बनाए थे, ब्रह्मचारी। नाइस। और होता क्या है, फिर माता पिता दुखी हो रहे होते, तो यहाँ दक्ष जो है वो बहुत दुखी हो रहे हैं, क्योंकि वैसे दक्ष हालांकि प्रजापति हैं, लेकिन एक और चीज में जो उनकी दक्षता यहाँ पर है वो है अपराध करने में। तो इसलिए नारद मुनि मतलब चुना भी किसको, नारद मुनि। आगे शिवजी भी एक और एग्जाम्पल है, हालांकि उसमें देन ही इज हम्बल डाउन। बट यस, एक बात जो समझने की, कभी कभी ऐसा होता है कि जब बच्चे भक्त बन जाते हैं तो माता पिता अक्सर दुखी हो रहे होते हैं कि क्यों हमारा बच्चा भक्त बन गया, क्यों जी, अगर वो चंबली घाटी में अपना ऑफिस खोलता हमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो ब्रह्मचारी बन गया, वो ये तो बहुत ही गलत बात है, ये तो पागलपंती काम है। तो प्रभुपाद जी समय में प्रभुपाद जी के दो शिष्य थे, उनका नाम था ब्रह्मानंद स्वामी और गर्गमुनि प्रभु। तो दोनों के दोनों भाई हैं, दोनों के दोनों ज्वाइंट फुल टाइम। तो उनकी माँ जो है पिताजी प्रभुपाद जी के पास मिलने के लिए आई कि स्वामी जी आपने क्या किया, मेरे दोनों बच्चों को आपने ब्रह्मचारी बना दिया, फुल टाइम बना दिया आपने। तो प्रभुपाद जी बोला हाँ तो क्या हुआ, उनकी इच्छा है, यही क्या होता है, आपको मुआवजा देना चाहिए बल्कि मेरे को कि आपने मेरे दोनों बच्चे रख लिए। प्रभुपाद जी ने कहा मैं नहीं, आपको मुआवजा देना चाहिए, आपके बच्चे तो सड़कों पर लौट रहे थे, ड्रग्स वगैरह लिए हुए थे, क्या है, मैंने इनको शरण दी, मैंने इनको खाना दिया, शरण दी मैंने, रहने की जगह दी, इसलिए आपको बल्कि मेरे को डोनेशन देने चाहिए, आप मुझको कुछ लाख डॉलर्स दो आप मेरे को। स्वामी जी अपने बच्चे दे तो दिया मैंने ऑलरेडी। तो प्रभुपाद जी बोला थैंक यू वेरी मच। ऐसे गिरिराज महाराज एज अ ब्रह्मचारी, तो उनके पेरेंट्स आए थे, ही वाज फ्रॉम वेरी एरिस्टोक्रेटिक फैमिली, बड़ी रिच फैमिली से थे। तो उनके फादर ने ब्लैंक चेक दिया प्रभुपाद जी को, स्वामी जी इसमें जो अमाउंट भरना है भर दीजिए, ये मेरा बेटा वापस कर दीजिए। प्रभुपाद ने कहा मेरी चेकबुक मंगाओ। प्रभुपाद ने ब्लैंक चेक साइन किया, कहते जो इसमें अमाउंट भरना भर दीजिए, इसको जो करना है करने दीजिए। वाह, प्रभुपाद जी इज वेरी रीगल, इज अ रीगल सन्यासी, एवरीथिंग इज रीगल। फिर संभव, हालांकि गिरिराज महाराज उस वक्त एट दैट टाइम गिरिराज ब्रह्मचारी, ही वेंट होम, तो माता पिता ने उनको फिर एक साइकेट्रिस्ट को दिखाया कि हमारा बच्चा पागल हो गया, ये हरे कृष्ण वाले क्या करते हैं, बच्चे को पागल कर देते हैं ये, इसका आप इलाज करिए। तो वो एक घंटे जो है कमरे में रहे गिरिराज महाराज के साथ, तो जो जो बोले गिरिराज प्रभु एट दैट टाइम वुड गिव कोटेशन फ्रॉम भगवदगीता, जो बोले उसके बाद भगवदगीता का श्लोक सुनाया वो। तो साइकेट्रिस्ट बाहर आके बोला अगर मैं इस व्यक्ति के साथ 5 मिनट और रहा मैं हरे कृष्ण हो जाऊंगा। And then he said, your child is permanently infected. So Giriraj Prabhu at that time, so he came back to Srila Prabhupada. Hey, Srila Prabhupada, mujhko psychiatrist ne bola that he is permanently infected. Prabhupada ne bola, yes, yes, we are permanently infected with Krishna consciousness. So Prabhupada ne is baat ko Bhagavatam class mein cover kiya. You know our Giriraj, he is permanently infected. So, इसलिए होता क्या है, कई बार माता पिता ऐसा कभी घर लेके भी जाते हैं ना, उसको गोली वोली खिलाते हैं, काली पीली नीली हरी सारी गोली खिलाते हैं, उनको लगता है शायद केमिकल से भक्ति धुल जाएगी उसकी। केमिकल से कौन सी भक्ति धुलती है जी, एट द मैक्स योगा बच्चा थोड़ा ज्यादा सोलेगा, पहले 6 घंटे सोता था वो 8 घंटे सोलेगा, लेकिन उठ के भी हरे कृष्णा करेगा, सोते हुए भी हरे कृष्णा ही करेगा। हमने देखा कई बच्चों कई भक्तों को ना जब उनका ऑपरेशन वगैरह भी होता है, एनेस्थीसिया में होते हैं वो, उसको भी हरे कृष्णा करते हैं वो, डॉक्टर आउट में आता है एनेस्थीसिया काम करना नहीं करना,
तो उसका ऐसा ऐसा करते हैं, तो नहीं कहते हैं एनेस्थीसिया तो काम कर रहा है लेकिन फिर भी हरे कृष्णा कर रहा है वो, क्योंकि ना भक्त ने सोते सोते भी हरे कृष्णा किया है, जगह जगह भी हरे कृष्णा किया है, सोते सोते भी उसने वही किया है, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में भी हरे कृष्णा ही है, कॉन्शियस माइंड में भी हरे कृष्णा ही है, इसके अलावा जो भी है वो भी हरे कृष्णा ही है बेचारे का। तो इसलिए वो एनेस्थीसिया भी जब दिया जाता है ना बच्चों भक्तों को कभी ऑपरेशन थिएटर में, तो वो डाउटफुल होता है डॉक्टर, तो इसे दो चार करेगा नहीं है तो बेहोश है लेकिन कर रहा है हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम राम, कितना 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 हरे हरे हरे, क्या बात है भाई, ये तो किया है ना उसने सोते हुए तो किया उसने। यस जैसे इसमें जब जब अर्जुन को बुलाया था एक समय भगवान श्री कृष्ण ने, तो अर्जुन को बुलाया तो अर्जुन को थोड़ा रेस्ट करने के लिए बोला, तो फिर वो अंदर गए तो कोई, तो भगवान ने बोला चलो लंच का टाइम हो गया तो जाओ कोई जाके बुला के लेके आओ। वो एक रानी गई वापस नहीं आई, दूसरी रानी गई वापस नहीं आई, कहते ये क्या है जी, तो जो रानी जाती है ये वापस नहीं आती, तो रुकने का पता नहीं क्या चक्कर है जी। सत्यभामा को भेजा वो भी गई अंदर नहीं, वो अंदर गई वापस नहीं आई। फाइनली रुक्मिणी मैंने कहा मैं ही जाके देखती हूँ, ये सत्यभामा जामवती सब जाती बाहर नहीं आ रही, क्या चक्कर क्या है। अंदर जाके देखा अर्जुन लेटे हुए हैं और हरे कृष्णा का कीर्तन कर रहे हो, सोएर उस आराम करते हुए हरे कृष्णा, और आसपास जो रानियां हैं देवर सो मच स्टंड विद दिस कीर्तन, तो हल्के हल्के कोई करताल बजा रही है, कोई मृदंग बजा रही है, कोई सितार बजा रही है, कोई गिटार बजा रही है। अरे मोहन ने कहा वाह जी वाह, तो उसको बोला जी सर आपको उठाने के लिए जाता था, हम तो अर्जुन की इस कीर्तन में इतने ज्यादा एब्जॉर्ब हो गए, इतनी तल्लीन हो गई, हमको तो पता ही नहीं चला। तो ये अर्जुन की महानता है कि वो सोते हुए भी कृष्ण का नाम लेते हैं, और हमारी मानता है कि हम कृष्ण का नाम लेते भी सो जाते हैं, लेकिन हमारी चेतना में और कॉन्शियस माइंड में या सबकॉन्शियस माइंड में भगवान का नाम तो है ही है। तो इसलिए इतना जो डीप एक्सपीरियंस हो जाता है ना, अब ऐसे व्यक्ति कहाँ छोड़ने वाला है। तो इसलिए माता पिता कई बार बड़े होपफुल होकर जाते हैं कि वो उसका ब्रेन वॉश कर देंगे, उसका बिहार रचा देंगे, फिर वो फंस जाएगा संसार में, फिर भूल जाएगा भक्ति। कभी वो मतलब यही करते हैं, या तो हम या हरे कृष्णा, बताओ क्या चाहिए। तो भक्त जो उनके चरण छूता है कहते हैं हरे कृष्णा। What nonsense! तो कभी कभी ऐसा होता है कि बड़ी हैरानी होती है, ऐसे कैसे भाई हमारे 25 साल का प्रेम और वहां 25 दिन में ऐसा क्या हो गया तेरे साथ, हमारे 25 साल का प्यार फीका पड़ गया। क्या करें, भक्ति है चीज ही ऐसी है जी। हालांकि भक्त जो है सबका सम्मान करते हैं, माता पिता का भी, गुरुजनों का भी, सबका सम्मान करते हैं, लेकिन कोई सोचा भाई हरे कृष्णा छोड़ करके कोई माता पिता की एक्सक्लूसिवली सेवा कर लेगा, माता पिता की सेवा भी कोई कर लेगा लेकिन हरे कृष्णा तो छूटने वाला नहीं है, ये तो अंडरवर्ल्ड है, इसमें घुसा जाता है, वापसी नहीं होती इसके अंदर, इसमें जीते जीते एक दिन मरना होता है, इट्स अ वन वे ट्रैफिक। कई लोग सोचते ना ऐसा है, मैं बनूंगा गैंगस्टर, बनूंगा बहुत पैसा कमाऊंगा, फिर मैं वापस आकर के शराफत की जिंदगी जीऊंगा। नहीं सर, अब आप शरीफ नहीं बन पाओगे, एक बार नवाज शरीफ बनने के बाद। सो कृष्णा कॉन्शियसनेस भी बिल्कुल वैसी ही है, ये अंडरवर्ल्ड है, इसमें घुसा जा सकता है। कोई सोचे बस बहुत हो गई भक्ति, बुरे टाइम बड़ा साथ दिया भक्ति ने, चलो जी लेट्स एंजॉय लाइफ। सर आप लाइफ कभी भी वैसे एंजॉय नहीं कर पाओगे, करके देख लो एक बार, ट्राई कर लो, चलो नहीं होता जी, अब क्या करें। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो इसलिए यहां जो दक्ष का जो आर्गुमेंट है वो ये है कि हम तो सारे जितनी भी अपनी क्रियाएं हैं, जितनी जिम्मेदारियां हैं, कर्तव्य हैं, उनका अच्छे से निर्वहन करते हैं, और इस प्रकार से गृह व्रत, तो गृह व्रत का एक मतलब ये हो गया मैंने सारे व्रत निभाए गृह में रह करके, तो इसलिए वो गृह व्रत। लेकिन इसका एक मतलब ये भी है जिसमें घर में रहने का व्रत लिया हुआ है कि घर छोड़कर अभी जाना ही नहीं है, उसको बोलते हैं गृह व्रतानाम, ये वो घर का उसने व्रत लिया है, कभी घर से निकलने का ही नहीं। जैसे प्रभुपाद एक समय वॉक पे थे, तो वॉक करते करते ना वहां पर एक पेड़ के नीचे बहुत सारी चिड़िया की बीट गिरी हुई थी, तो प्रभुपाद ने केन से उसकी ओर इंडिकेट किया, प्रभुपाद ने बोला कैन यू सी दिस। भक्तों ने सोचा आप ये चिड़िया के बीट है भला क्या है भाई, क्यों प्रभुपाद जी कब केन किसकी ओर करें कुछ नहीं पता, लेकिन चिड़िया की बीट की ओर केन किया प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद ने बोला यहां पर इतनी सारी बीट गिरी हुई है, इसका मतलब ये पक्षी ना अपने घोंसले से दूर जाता ही नहीं है, ये अपने घोंसले में ही रहता है, ये घोंसले दूर जाता नहीं, इसलिए यहीं पर रहता है, यहीं खाता है, यहीं हकता है, इसलिए यहां पर इतना सारा इकट्ठा हो रखा है। Everyone is attached to their home. Even birds and beasts, they are attached to their home. In this material world, everyone is attached to their home. तो यहाँ पर गृह व्रतानाम,
घर से अत्यधिक आसक्ति, ये कॉमन सिम्टम होता है कलयुग के अंदर विशेष रूप से। जय श्री श्री राधा पार्थ सारथी लता विशाखा देवी की जय, सीताराम लक्ष्मण जी की जय, प्रहलाद नरसिंह देव की जय, श्री कौन था की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद बताते हैं कि वर्णाश्रम का एक पर्पस ये है, काम वासनाओं से मुक्ति। कैसे? अगर आप श्रवण करके सीख लें दैट इज दी बेस्ट, दी बेस्ट। लेकिन अगर कोई व्यक्ति श्रवण करके नहीं सीख पाता उसको लगता है ये तो थ्योरेटिकल बातें, ये कृष्णा कॉन्शियसनेस कर्म योगा ज्ञान योगा भक्ति योगा चैंट हरे कृष्णा भी है अभी, दैट्स थ्योरेटिकल। और इसलिए उसको जो है उसके ऊपर से निकलती है कोई बातें, कुछ अगल से बगल से निकल जाती है उसकी बातें, तो इसलिए वो सुन के नहीं सीख पाता। तो फिर ये भला कैसे सीखेगा? तो जो व्यक्ति सुन के नहीं सीख पाता उसके लिए फिर एक और तरीका सीखने का, वो है अनुभव। फिर अनुभव से सीखने के लिए आश्रम है, फिर गृहस्थ आश्रम। उस व्यक्ति अनुभव से सीखता है, अरे यहाँ ये जो भोग है ये तो बिल्कुल वैसे ही भोग है मानो खीर है उसमें थोड़ी मिट्टी का छिड़काव किया हुआ है। अगर मिट्टी मिली कोई खीर खाए, खीर का स्वाद आता कि नहीं आता? जो बोल रहा नहीं आता यानी उन्होंने मिट्टी वाली खीर कभी नहीं खाई। मिट्टी वाली खीर खाओ तो खीर का स्वाद तो आता है, लेकिन साथ में किरकिर भी आती है, क्या खीर है ये, क्यों टेस्टी नहीं लगी? टेस्टी तो है लेकिन साथ में कुछ और भी है। तो इस प्रकार से व्यक्ति जब अनुभव से सीखता है ना, तो अनुभव में साथ साथ उसको ठुकाई पिटाई भी होती है उसकी, तो ठुकाई पिटाई के साथ साथ बता रहता है, अरे भाई ये भोग हुए लेकिन भोगा कम, हम भुक्त ज्यादा हो गए, भोगे ज्यादा गए, हमें लगा हमने माया को भोगा, ना जी ना, हम ही भुक गए वास्तव में, फुक गए। इसलिए बुजुर्ग लोग कथाओं में ज्यादा आते हैं, क्योंकि ना बुजुर्ग व्यक्ति का सारा जूस निकल चुका होता है, आ गए तेरे दरबार में, क्या हुआ बाबूजी क्या हुआ, हमारा जूस निकल गया। तो सर जूस तो निकल जाता, आपने भागवतम क्लास में सुना नहीं था क्या कि जूस निकल जाता? सुना था, अनसुना कर दिया था, अब अनुभव से सीखा जूस निकल जाता है। जिनको सोचा था उनका जूस पिए हैं, वो हमारा जूस पी गए। हे प्रभु थोड़ा जूस दे दो। दूसरे व्यक्ति अनुभव सीखता, अरे भाई बहुत वाह वाह वाह। तो समझदार व्यक्ति क्या करेगा? सुन करके सीख लेगा जी। तो इसलिए नारद मुनि ने जो कार्य किया वो सुन करके सिखा दिया, और जो सुन के सीख लेता है इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। लेकिन जो लोग ऐसे सुन करके नहीं सीखते तो उनके झिंगा लाला फिर कहीं और होता है। तो इसलिए सीखना तो है, सुन करके सीख लें, सुन करके नहीं सीखेंगे तो फिर अनुभव सीखे सीखेंगे, लेकिन सीखना तो है। बिकॉज मटीरियल वर्ल्ड इज अ प्लेस ऑफ रिफॉर्मेशन, ये वास्तव में रिफॉर्म करने का हमारे, ये सुधार ग्रह है वास्तव में। तो सुधार ग्रह में बढ़िया है कि सुन करके सीख लें, सस्ते से सस्ते में सीख लें। समझदार लोग सस्ते में सीखते और कम समझदार लोग वो महंगे में सीखते। जैसे कि बच्चे होते हैं ना एनसीईआरटी किताब पढ़ करके बीटेक निकाल लेते हैं, और इनको एनसीईआरटी समझ में नहीं आती, क्या पापा मेरे को फिटजी में एडमिशन करा दो पापा। अरे बेटा 2 लाख रुपए फीस है, कोई बात नहीं पापा, क्या करूं मैं डम्बो पापा, पापा क्या करूं पापा। फिर पिताजी उसको ट्यूशन वगैरह लगाएंगे 1500 रुपए घंटा, 200 रुपए घंटा, क्योंकि लड़का क्या है घंटा। कहते कोई बात नहीं बेटा तू महंगे तरीके से सीख, तूने सस्ते तरीके से सीखना ही नहीं, क्या करें। फिर ये कोचिंग वो कोचिंग जाएगा, कोटा जाएगा, वहां पर फीस देगा, वहां पर रहेगा, 3 लाख रुपए खर्चा रहने का, खाने का, पीने का, ट्यूशन फी अलग से वहां पर कर, 6 लाख की उसने कोचिंग की, और फिर उसको हुआ छोला कुलचा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर। ओए होए 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 होए। तो इसलिए कुछ लोग जिनका शब्द ब्रह्म, ये जो शब्द प्रमाण है इसमें जब श्रद्धा नहीं होती, फिर श्रद्धा लाई जाती है ठुक पिट करके, डीप फ्राई करके, फिर जाके श्रद्धा आती है। तो शास्त्रों में श्रद्धा होनी चाहिए, जो हरि कथा है उसमें श्रद्धा होनी चाहिए। जब श्रद्धा होगी तो फिर आपको अनुभव से नहीं सीखना पड़ेगा, सस्ते में सीख करके, अरे समझ गया तामझाम क्या है रे, यस। नहीं तो एक बार अनुभव से सीखे, समझ में तो आ गया जी क्या है माजरा सारा, लेकिन अब तो फंस गए, तो प्रतीक्षा करनी पड़ती है फिर। तो इससे शब्द ब्रह्म में विश्वास होना बहुत जरूरी है।
यस, जो विश्वास होता है श्रवण से हम सीखते हैं, दैट्स बेस्ट। जैसे कुमारीला हट नाम के एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, ही वाज अ ग्रेट फिलोसोफर। तो कुछ लोग थे जो उनको पसंद नहीं करते थे, उनको पहाड़ी के ऊपर लेकर गए और वहां से उन्होंने उनको फेंक दिया कि नीचे जाएंगे और मर जाएंगे। तो जैसे ही उनको फेंकने वाले थे, उन्होंने कहा अगर शास्त्रों की वाणी शत प्रतिशत सच है तो मुझे कुछ ना हो। तो उनको नीचे फेंका तो नीचे गिरे, तो उनको वैसे कुछ नहीं हुआ, बल हल्की सी चोट लगी यहां पर। लेकिन ये चोट मुझे क्यों लगी, क्या शास्त्रों की वाणी 100% सच नहीं है क्या? तो ये गया अपने गुरु के पास, गुरुदेव वो फला फला लोगों ने ना मेरे को पहाड़ से फेंका था और मैं नीचे गिरा, तो मैंने तो बोला था कि ना अगर शास्त्रों की वाणी 100% सच है तो मुझे कुछ ना हो, लेकिन फिर भी ना मेरे को यहां चोट लगी, मैंने इसलिए यहां हैंडी प्लास्ट लगाया हुआ है, पर ऐसा क्यों हुआ? तो गुरु ने बोला तुम्हारा सेंटेंस क्या था, अगर शास्त्रों की वाणी सच है, अगर उस अगर की वजह से तुमको ये चोट लगी, तुमको बोलना चाहिए था शास्त्रों की वाणी सच है इसलिए मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन तुमने एक अगर लगाया, अगर यानी कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगाया कि शास्त्रों की वाणी 100% सच है तो कंडीशंस अप्लाई, नहीं नहीं नहीं, अनकंडीशनली ऑल द स्टेटमेंट्स ऑफ द शास्त्रस आर ट्रू। तो ऐसा विश्वास होना चाहिए। तो ऐसे लोग जो गृहव्रतानाम होते हैं, तो उनके लिए ब्रह्मा जी बड़ा सुंदर श्लोक बताते हैं, दशम स्कंद के 14वें अध्याय में 36वां श्लोक, बड़ा सुंदर श्लोक है ये। तावद रगादय स्नेह तावद राग आदाय, यानी कि इतने राग जितने अटैचमेंट्स हैं आदि, जितनी भी अटैचमेंट्स होती हैं उनकी, दे आर लाइक स्टेनस, यानी कि चोर के समान है। हमारी अटैचमेंट्स होती हैं गृहस्थ जीवन के अंदर, गृहमेदी जीवन के अंदर, वो चोर के समान, यानी हमारा सब कुछ हर लेती हैं। जहां जहां अटैचमेंट्स हैं वही वही चीजें हरती हैं हमारा सब कुछ। जिस जिस से अटैच हुए, जिस व्यक्ति से या जिस वस्तु से अटैच हुए, वही सब कुछ हमारा हर लेती है। साथ ही क्या है, तावत कारा गृहम गृहम, तो जो घर है वो कैसा लगता है, कारागार के समान लगता है। घर से निकल ही नहीं पाते, कई लोग निकल नहीं पाते, कहते क्या करें, इस तो वैसी सर्दी का मौसम, वैसे नहीं निकल पाते, फिर घर रस्ती की जिम्मेदारी उसमें निकल नहीं पाते, ऊपर से गज्जक और रबड़ी आ गई, रेवड़ी आ गई और नहीं निकल नहीं पाते, रजाइयों में तो बिल्कुल नहीं निकल पाते, तो निकल ही नहीं पाते। एक्चुअली ये जो इस वक्त यहाँ पर हो रखा है इस भागवतम क्लास के अंदर, ये बहुत ही अद्भुत बात है। सर्दी के मौसम में जब बाहर 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, फिर भी यहाँ पर भक्त इकट्ठा हुए हैं हरिकथा सुनने के लिए। This happens only in ISKCON. और साथ ही ऐसे लोग क्या है, तावन मोह अंग्री निगड़ो, यानी कि मोह के जो बंधन है उनके फुट शैकल्स की तरह कार्य करते हैं, मोह के बंधन, इसलिए भी जो है कभी घर से निकल नहीं पाते। यस, तावत कृष्ण न ते जनाहा, तो जब व्यक्ति को कृष्ण से आसक्त नहीं होता, कृष्ण से अटैच नहीं होता, तो ऐसे व्यक्ति के लिए क्या है, मोह जो है वो उसके चरणों में बेड़ियों का कार्य करते हैं। यस, और इस वजह से व्यक्ति पूरा बंध जाता है मोह के बंधन में, तो वो मंदिर नहीं आ नहीं पाएंगे, बच्चों के एग्जाम है ना, तो क्या करना बच्चों के एग्जाम में, आपको उनको किताब पढ़नी है, उनके बगल में रख दो जो कुछ खाने पीने का, बेटा हम अभी हरि कथा सुन के आते हैं, हरि नाम संकीर्तन सुन के आते हैं, पर लोग घर में ही रह जाते हैं, क्या करें, बच्चों के 1 महीने एग्जाम थे इसलिए हम मंदिर ही नहीं आए हैं। ये क्या लॉजिक है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही लॉजिक है, और वो भी क्या है, तावन मोहत अंग्री निगड़ो, यानी पांव में जो ये फुट शैकल्स हैं, किसकी, मोह के बंधन, इनको कौन देखेगा, इनको कौन पालेगा, ये मोह के बंधन है वास्तव में, इसीलिए व्यक्ति कभी भी आगे बढ़ नहीं पाता, निकल नहीं पाता, और कभी हरि भक्तों का संग कर नहीं पाता। हरि भक्तों का संग करने के लिए घर से तो बाहर निकलना पड़ेगा। यस, तो जब व्यक्ति बहुत ज्यादा अटैच होता है, तो इसलिए अगर उसके पास ये पूरी सुविधा होती भी है दैट ही कैन बिकम स्पिरिचुअली रियलाइज्ड, पर ऐसा कर नहीं पाता बिकॉज ऑफ हिज अटैचमेंट्स, डीप अटैचमेंट्स। एक समय नाद मुनि जब वैकुंठ गए, तो वैकुंठ जाके देखा इतना ऐश्वर्य वैभव, प्रभु इतना ऐश्वर्य वैभव, ये तो बहुत ही अच्छी जगह है, यहाँ कितने सब संत लोग हैं, सब इतने इफल्जेंट हैं, इलस्ट्रियस हैं, तेजस्वी ओजस्वी हैं, वाह। तो भगवान नारायण से वाकई कि प्रभु मैं यहाँ पर और लोगों को लेकर के आऊँ, भगवान ने कहा ले आओ, अरे भगवान लेकिन मैं काफ़ी लोगों को लेकर के आऊँगा तो सब ये अकोमोडेट हो जाएंगे ना, भगवान ने कहा लेके तो आओ, जाओ ले आओ। नाग मुनि ने अनाउंसमेंट कर दी, जिसको चलना है खुला निमंत्रण है नारायण की तरफ से वैकुंठ जाने का, आइए 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 आइए। अरे सच में वैकुंठ जाने का, अरे क्या बात है, लोग बैठ लिए यान के अंदर बैठ लिए, तो वैकुंठ के बिल्कुल द्वार के बाहर जो एक्सटर्नल जो पेरिफेरी होती है वहां पहुंचे, वहां पर पहुंचे, वहां पर कुछ पेड़ थे, उनमें चांदी के सिक्के थे, चांदी के सिक्के देखे, चांदी के सिक्के गिर भी रहे हैं, कुछ वहीं बैठ गए। नाग मुनि ने कहा नहीं बैठना नहीं यहां पर, अंदर जाना है,
तो आप चलिए हम आते हैं। तो कुछ आगे बढ़ गए, कुछ आगे बढ़ गए तो वहां कुछ सोने के सिक्के गिर गए थे, तो कुछ वहीं बैठ गए उनको बटोरने के लिए। कहते यहां नहीं बैठना, अंदर जाना है। तो आप चलिए हम ओला उबर करके आ जाएंगे, आप चलिए आप आगे चलिए। हम उसके और आगे का तो वहां हीरो के पेड़ थे, हीरे गिर रहे हैं वहां से, तो बाकी वहीं बैठ गए। कहते चलिए, नहीं आप चलिए, हम लोग आ ही रहे हैं बस, आप चलिए आप, हम पीछे पीछे आते हैं। तो नारद मुनि पहुंचे भगवान के पास, तो भगवान ने कहा वो आए नहीं आपके साथ कोई, मैंने यहां भेजा था, यहां तो सारा खाली है। प्रभु वो बाहर में ही वो निपट गए सारे के सारे, वो तो ये अटैचमेंट जो है ये हमें भगवान के पास जाने नहीं थी, बिकॉज वी गेट स्टक इन सो मेनी एल्योरमेंट्स। ये संसार के अंदर व्यक्ति फंस जाता है इस प्रकार से। पर बात यह है कि अगर ये जो एलिगेशन लगाना है, ऐसा होता है नो डाउट, ऐसी एलिगेशन लगाई जाती है लोगों के द्वारा, उनको लगता है दैट यस दे आर 100% राइट, द साधुस आर रॉन्ग। तो ऐसी एलिगेशन हमेशा लगे प्रभुपाद जी के, लेकिन प्रभुपाद जी बोला करते थे कारवां चलता रहेगा कुत्ते भौंकते रहेंगे, कुत्ते भौंकते रहेंगे कारवां चलता रहेगा। इसे प्रभुपाद जी बोला करते थे If you are preaching and people are disturbed, that means your preaching is successful. यानी कि हमने disturb किया, जड़ें हिलाएं, yes. अगर जड़ें हिलती हैं तो लोग दुखी होते हैं, दुखी होते हैं तो वो आलोचना करते हैं, ये इसकोन जो है ये पैसा बाहर भेजती है, या क्यों तेरी जेब से भेजा हमने, है? हमने भेज दिया चल, वैसे तो हमें भेजा नहीं हमने कभी, है क्यों ऐसे ही बस ईर्षा होती है आप लोगों से, क्योंकि जो लोग अच्छे होते हैं ना उसे ईर्षा करना बनता है, जो मिट्टी मिला होता है उसे कौन ईर्षा करता है। तो कहीं ना कहीं जो निंदुक होते हैं वो हमारी प्रशंसा कर रहे हैं कि क्या करें सर आप इतने अच्छे हो, आपसे थोड़ी ईर्षा हो जाती है इसलिए हम आपकी थोड़ी निंदा आलोचना कर देते हैं। जवान लड़कों को फंसाते हैं ये लोग, प्याज लहसुन छुड़वा देते हैं, नहीं खा पाते बेचारे बैंगन के भरते, अब उस प्याज के साथ याद करिए वो दिन, नहीं कर पाते। तो इस प्रकार से आलोचना होती है, बट प्रभुपाद जी बोला करते थे इन केस पीपल आर क्रिटिसाइजिंग दैट मींस वी आर सक्सेसफुल इन प्रीचिंग। बल्कि प्रचार अगर हो रहा हो उसमें सिर्फ बूढ़े लोग आकर के बैठ जाते हैं, कुछ माताएं आके बैठ जाती हैं, उनको ना समझ में आ रहा होता है कि क्या चल रहा है भाई, असली अमृत तो क्लास के बाद होता है, वो कूपन जो मिलता है ना मेन तो वो है, ये बाबा थोड़ी देर बोल ले चल कोई नहीं, उसके बाद असली चीज तो बाद मिलती है। yes. तो कुछ लोग इसलिए आते हैं और वो सब जगह जाते हैं, प्रभुपाद जी ऐसा नहीं कि उनको बुजुर्गों से या माताओं से कोई उनको कोई दिक्कत है ना, ना ना बेसिकली वो तो श्रद्धालु होते हैं, कहीं भी जाके बैठ जाते हैं वो, कहीं मतलब जो भी बता रहे हो ना उसमें भी जाके बैठ जाएंगे, अच्छे इंसान बनिए दिल ना दुखाइए उसमें भी जाके, कहीं चल रहा होगा कहां पर कौन सा बीज हमें डालना चाहिए जिससे खरपतवार जो है वो हट जाती है अच्छी उपज होती है, वहां भी बैठे होते हैं, कई बार अहिंसा परमो धर्म बता रहे हैं वहां भी बैठे होते हैं, कहते हैं मेन नेक्टर तो बाद में है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी के समय में मैंने यंगस्टर्स यूज टू कम, तो कई रिपोर्टर ने बोला आपने आपके यहां पर मूवमेंट कई यंग लोग आते हैं ऐसा क्यों, प्रभुपाद जी बोला आप लोग यूनिवर्सिटी में कब जाते हो, बूढ़े होकर के जवान होकर के, जवानी में जाते हैं क्यों, वहां सीखने का समय है, प्रभुपाद जी का ये भी हमारी यूनिवर्सिटीज हैं यहाँ हम सीखते हैं इसलिए यंगस्टर्स हमारे यहाँ पर आते हैं। बट पीपल वुड ऑलवेज हैव सम पॉइंट टू क्रिटिसाइज, जैसे ब्रेन वॉशिंग का चला था, इस्कॉन ब्रेन वॉश करती है, प्रभुपाद जी का वी कैन नॉट डू ब्रेन वॉशिंग बिकॉज फॉर दैट पीपल शुड हैव ब्रेन, हम दिमाग को कैसे वॉश कर देंगे, ब्रेन वॉश कैसे करें जब लोगों का ब्रेन ही नहीं है, हाउ कैन यू वॉश, लोग डंबू है, दिमाग का कहाँ है लोगों के अंदर, क्या सबूत है कि लोगों में दिमाग नहीं है, अरे भाई जो लाल चटनी हरी चटनी खिला खिला के लोगों से करोड़ों रुपए ले सकता है ना, इसका मतलब लोगों का दिमाग खत्म हो चुका है क्या है? कुछ भी मतलब। तो इसीलिए प्रभुपाद ने बोला हाउ कैन वी वॉश द ब्रेन, रीजन बीइंग धन्यवाद धन्यवाद भक्तों का प्यार है और क्या भाई, ठीक है धन्यवाद। सो हाउ कैन वी डू दैट, हाउ कैन वी डू ब्रेन वॉशिंग बिकॉज दे डोंट हैव ब्रेन, और प्रभुपाद ने एक जगह बोला यस वी आर ब्रश, यस वी आर वॉशिंग द ब्रेन, क्योंकि ब्रेन गंदा और हम लोग साफ करते हैं, धोबी का काम करते हैं हम लोग, यस वी डू दैट। ऐसे एक समय यूरोप में एक एलिगेशन लगी इस्कॉन के ऊपर कि ये एक कल्ट है, इट्स अ हरे कृष्णा कल्ट, तो कोर्ट केस हो गया। तो प्रभुपाद जी फोन किया, श्री प्रभुपाद ये क्या करें हमारे ऊपर कोर्ट केस हो गया दैट वी आर अ कल्ट,
और बोल रहे हैं सबूत लाओ दैट यू आर नॉट अ कल्ट, आप एक प्रमाणिक संप्रदाय हो, प्रमाणिक धर्म हो। प्रभुपाद जी ने बोला ओके, हमारे पास 18,000 सबूत हैं ये साबित करने के लिए। तो पहले दिन लो कैंटो 1 chapter 1 verse number 1, कन्वर्ट एंटायर कोर्ट केस इनटू भागवतम क्लास। सेकेंड डे कैंटो 1 chapter 1 verse number 2, थर्ड डे कैंटो 1 chapter 1 verse number 3। जज बोला ऐसे कितने सबूत हैं आपके पास? वक्त ने बोला ऐसे 18,000 सबूत हैं हमारे पास कि हम लोग प्रमाणिक हैं। 18,000 सबूत? द कोर्ट इज एडजर्न। उसका वो जज गया, उसने दूसरे जज को फोन लगाया, कहते ये हरे कृष्णा भाई वाले ये लोग कल्ट है क्या है, इनके पास 18,000 सबूत हैं कि ये लोग प्रमाणिक हैं। तो जज ने बोला अरे बिल्कुल प्रमाणिक है, इट इज मोस्ट एंशियंट रिलीजन ऑफ भक्ति, तो इसलिए एकदम 100% प्रमाणिक है, इट इज नॉट अ कल्ट, इट इज एक्चुअली इट इज बोनाफाइड संप्रदाय। तो व्यक्ति आया कहता बस बस आपके बाकी जितने भी रह गए हैं सबूत रहने दीजिए, साबित होता है यस प्रमाणिक है। ऐसे एक समय एक नन ने एलिगेशन लगाई थी कि ये लोग एक ऐसे व्यक्ति की पूजा करते हैं जिसकी 16,108 पत्नियां हैं। व्हाट काइंड ऑफ मोरालिटी इज दिस, ये किस प्रकार की नैतिकता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी 16,108 पत्नियां हैं उसकी पूजा कर रहे हैं ये लोग, क्या है ये? आर दे ब्लाइंड, आर दे डम, व्हाट दे आर, कोर्ट केस। तो भक्त लोग जो थे उन्होंने कहा ठीक है भाई, अच्छा हम हमारे कृष्ण जो है उनके चरित्र पे आपने उंगली उठाई है, कहती दुनिया में कितनी नन है? उन्होंने बोला 6 million nuns are there। अच्छा एक नन को बुला करके उसकी प्रतिज्ञा बुलवाई जाए एक बार प्लीज। तो नन की प्रतिज्ञा होती है मैं संसार में किसी को अपने पति रूप में स्वीकार नहीं करूंगी, जीसस क्राइस्ट ही मेरे पति हैं। यानी कि जीसस क्राइस्ट की कितनी पत्नियां हो गई? 6 million। तो अगर आप यह मानते हैं कि 16,108 पत्नियों वाला व्यक्ति जो है चरित्रहीन है, सो फिर 6 million वाला फिर आप क्या बोलना चाहेंगे उसके बारे में? कोर्ट केस वही बंद, कहता है नहीं जी जय हो, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हो गए एलिगेशंस। सो जिस तरह अब जैसे हालांकि यहां पर श्राप अभी देने वाले देंगे भाई क्या मैं आपको श्राप देता हूं, पर ये श्राप वास्तव में वो बेनेडिक्शन के रूप में कार्य करता है, क्योंकि नारद मुनि यू कैनॉट स्टे एट सिंगल प्लेस मोर देन टाइम इक्विवेलेंट टू टेकिंग आउट द मिल्क फ्रॉम द अडर्स ऑफ अ काउ। जितना दूध धोने का समय होता है ना, उससे ज्यादा समय आप किसी ज्यादा वहां रह नहीं पाएंगे। नेवर सेटल, वन प्लस। पर ये तो भक्ति लिए बहुत ही अच्छा है, नारायण का वाह अब तो मेरी कांस्टेंट प्रीचिंग चलेगी भाई, और चली रही है वैसे भी। सो वो वास्तव में श्राप नहीं होता, वो बल्कि कहीं ना कहीं वरदान ही होता है। मेरे को भी एक माता जी आके बोली थी, कहते प्रभु जी आप जो कर रहे हो हमारे जवान लड़के को फंसाया आपने, उसका घर नहीं बसने दिया, दिल से बद्दुआ देती हूं आपका घर भी कभी ना बसे। ये तो बहुत ही अच्छी बात बोल दी माता जी आपने, हम भी यही चाहते हैं हमारा घर कभी ना बसे। हमारा घर वैसे बच चुका है, ये तुम्हारा घर है और क्या, तो वैसे हमारा घर ऑलरेडी बस चुका है वैसे, और धन्यवाद। सो कर्सेस एक्ट लाइक बेनेडिक्शंस एज ब्लेसिंग्स। तो ये नारद मुनि के साथ भी है, तो ये हमारे साथ भी है। जितने लोग भी ऐसे श्राप देते हैं खुन्नस में, वास्तव में कहीं ना कहीं वरदान के तौर पर कार्य करता है हमारे लिए। यस, जैसे कि भगवद गीता इज अ वायलेंट बुक, ये एलिगेशन लगी थी हमारे ऊपर कि भगवद गीता जो है वायलेंट बुक है, बिकॉज ये कृष्ण नाम का व्यक्ति बार बार बोल रहा है स्वामित्व का भाव त्यागो और लड़ो, आलस्य त्यागो लड़ो, जीत हार का मत सोचो लड़ो लड़ो लड़ो। व्हाट अ बुक ऑफ वायलेंस, बैन। रशिया के अंदर हो गई भगवद गीता बैन। भक्तों ने ये बोल बोल करके ही बुक को बांटा, कहते जी ये वही वाली गीता है जो बैन हो गई है। रियली? दो कॉपी दे। ओ लो जी सारी भगवद गीता सोल्ड आउट। यस, बल्कि रशिया के अंदर स्टॉक खत्म हो गए, उन्होंने बाहर से मंगा है वो भी खत्म हो गए। पर भक्तों को अब कोई किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं, सर गवर्नमेंट ने ये बुक बैन कर दिया है। अरे बैन वाले में तो जबरदस्त और इंटरेस्ट आता है। रियली? ऐसा क्या है? कहते ये तो पढ़ के पता लगेगा आपको। सो इट टर्न्ड आउट टू बी बेनेडिक्शन, वेरी गुड। जैसे बीच में इंडिया टीवी वाला केस चला था, इस्कॉन ब्रह्मचारी बना देता है, जवान लड़कों को ब्रह्मचारी बना देता है,
उसका भला फायदा ये हुआ, पहले लोगों को पता ही नहीं था कि इस कौम में कोई ब्रह्मचारी बन सकता है, ये चीज कभी थी ही नहीं, कभी सोच में ही नहीं थी कि भाई ये भी एक एवेन्यू है एक्सप्लोर करने का, ये भी एक एवेन्यू है ज्वाइन करने का। वो जो हो हल्ला मच गया, कहता अरे ये क्या हो रहा भाई, कहता है इस्कॉन वाले ब्रह्मचारी बनाए। अच्छा वहां ब्रह्मचारी बनते हैं, क्या होता क्या है वैसे, थोड़ा बताइए जरा। कहता ऐसे होता है, ओह दैट्स इंटरेस्टिंग, बढ़िया है। तो अभी लोग बल्कि पहले से ज्यादा ज्वाइन करते हैं, और अच्छा हो गया ये तो। बल्कि वो उस वक्त तो हमको ये बताने का मौका मिला कि जो ब्रह्मचारी बनना होता है उसका हाउ ग्लोरियस इट इज, बताने का मौका मिला और कई लोगों को पता लगा। देन मेनी पीपल केम एंड दे जॉइन। तो कहीं भाई आपत्ति भी आती है कि क्या इस प्रकार से अपने माता पिता को छोड़कर, दक्ष जैसे माता पिता को छोड़ करके इस प्रकार से फुल टाइम ब्रह्मचारी बनना क्या है, सही है? माता पिता की सेवा छोड़ देना क्या ये सही है? सही है ये, गलत है ये, गलत है ये। माता पिता की सेवा करनी चाहिए जिन्हें पाल पोस के बड़ा किया। ये क्या है आपने सर मुंडा करके आप यहां पर हैं? घरे घर में लाल जोड़े में किसी को लेकर के आओ, तुमने खुद ही लाल जोड़ा पहन लिया है? अरे किसी के हाथ पीले करो, तुमने खुद ही कपड़े पीले कर लिए अपने? क्या है ये, अनुचित है ये। अच्छा अनुचित है ये। जितनी माताएं हैं सब शादी करके घर छोड़ करके ससुराल जाती है, बाबुल की दुआएं लेती जा, इसमें कुछ गलत है? बिल्कुल नहीं। देखिए ये तो समाज की रीत है, लड़की को पराए घर तो जाना ही होता है, इसमें कुछ गलत नहीं है जी। जा बेटी, तेरे को हमने MBA कराया, तेरे पे बहुत सारा पैसा लगाया, तू दहेज भी लेके जा और शादी भी कम से कम 15 लाख तो लगे ना, क्योंकि फार्म हाउस में शादी कराई तेरी, बेटा जा बेटा। कुछ गलत है? बिल्कुल नहीं, ये तो समाज की रीत है कि कम से कम 25-30 लाख रुपए खर्च के शादी तो बनती है। और आजकल जैसे लड़कों का हाल बुरा है तो तलाक भी जल्दी होता है, तो दोबारा शादी करनी भी बनती है, माता पिता को छोड़ना तो पता ही समाज की रीत है। ओ अच्छा अच्छा, ये लड़के वगैरह है, अब देखो जितने अब जॉब करते हैं, जॉब्स कहाँ पर हैं? जॉब्स हैं मुंबई के अंदर, दिल्ली के अंदर, बैंगलोर के अंदर, हैदराबाद के अंदर, ये कोलकाता के अंदर, ये मेन मेन जगह है जहाँ जॉब्स होती हैं। अब गोरखपुर के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर कौन से सॉफ्टवेयर के प्लांट लगे हैं वहाँ पर? तो बच्चा पढ़ाई लिखाई करेगा, उसके बाद फिर माँ बाप को, तेरी पढ़ा मैं जा रहा हूँ, मेरा करियर है, मेरे को अब वो लोग आयरलैंड भेज रहे हैं, अब मैं फ्रांस में वहाँ पर बाकी पढ़ाई करने जा रहा हूँ, फिर वहाँ फिरंगी से शादी करके वहीं बच जाऊँगा, लेकिन आपको हैप्पी होली और हैप्पी दिवाली जरूर बोलूंगा। तो क्या ये गलत है? नहीं जी नहीं। करियर के लिए आगे बढ़ना होता है, प्रगतिशील होना होता है, माता पिता को छोड़ना होता है, दैट्स ओके। अच्छा ये भी ओके है। अच्छा कभी कभी होता है मैरिज में होता है, वाइफ बोल देती है, यू नो कम ऑन यार, ये घर में बूढ़े बुढ़ंचे लोग हमेशा कचर कचर कचर, वी नीड सम प्राइवेसी, यू नो यू वांट एंजॉय लाइफ, क्या ही मतलब ऐसे साथ में रहेंगे तेरी हमेशा, बेटे उठ जा बेटी सो जा, रात को मैं नेटफ्लिक्स से पिक्चर देख रही होती हूँ और यहाँ करके टोका टाकी करते, सारी पिक्चर का मजा खराब हो जाती है ना। कैन यू हैव सेपरेट अकोमोडेशन प्लीज, आकाश इफ यू रियली लव मी प्लीज। श्योर मोनिका डार्लिंग, ऑफ कोर्स। तो इस प्रकार से पत्नी के कहने पे माता पिता को छोड़ देना क्या है, गलत है? नहीं, गृहस्थी भी तो देखनी है जी, घर भी तो देखना है, पत्नी का मन भी तो देखना है। अब ठीक है बीच में कभी कभी होली दिवाली पे आ जाए पहुंच हुए और अनार और फुलझड़ी लाए, इट्स ओके, क्या ये गलत है? नहीं बिल्कुल सही है। अच्छा ये भी सही है, ओके ये भी सही है। अच्छा भगत सिंह जी ने जी वो शादी नहीं की, पिंड की सबसे सुंदर लड़की चुनी थी माता पिता ने, पर देश के लिए वो लड़े और अपना घर नहीं बसाया, माता पिता से दूर रहे, ये गलत है? बिल्कुल नहीं, देश की सेवा के लिए माता पिता से दूर जाना गलत नहीं है, एक ऊंचे कारण की वजह से अगर आपने माता पिता से दूर गए ये गलत नहीं है। देश के लिए गए भगत सिंह जी, इसलिए ये भी गलत नहीं है। अच्छा ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है। अच्छा अच्छा अच्छा
सर ये कभी कभी हरे कृष्णा में ना भगवदगीता का प्रचार वगैरह करने के लिए, हरिनाम संकीर्तन फैलाने के लिए कुछ फुल टाइम ब्रह्मचारी अगर को बन जाए तो ये तो बहुत ही गलत है, ये तो बहुत गलत बात कर दी आपने। आप माता पिता की सेवा करो ना, क्यों नहीं करते आप? सब माता पिता की सेवा करो। ये सर वो पिछले वाले सारे वो सब सही है, वो सब सही होता है वो, लेकिन ये गलत होता है। क्यों जी, ये क्यों गलत होता है जी? बाकी सारे सही, तो पार्शियलिटी है, तो पार्शियलिटी होगी। बाकी जो करें, जो जो दूर रहना चाहे माता पिता वृद्धाश्रम भेजे, कोई समस्या नहीं। अरे नो प्रॉब्लम, क्या उसकी प्राइवेट लाइफ है, पर्सनल लाइफ, हु आर वी टू कमेंट। पर अगर वो ब्रह्मचारी बन जाए तो फिर ये देखो, अगर जब तक तो वो गृहस्थ जीवन जिएगा नहीं, जब तक तो वो अनुभव लेगा नहीं, कैसे उसका उद्धार होगा? अच्छा, तो गृहस्थ जीवन में भले उधार पे जी ले वो, दैट इज ओके। एक ब्रह्मचारी था, उसके माता पिता बड़े दुखी थे, क्यों तू ज्वाइन कर लिया ऐसे? वो कथा में आ गए थे, ये मनाने के लिए आए थे, बच्चे को कथा के बाद लेके जाएंगे। कहते बेटे को लेके जाएंगे जी, कोई नहीं, तू कथा सुन ले बेटा, इसके बाद लेके जाएंगे तेरे को। कथावाचक ने बोला, अगर कोई अपना जीवन कृष्ण को देता है तो 21 पीढ़ियां तर जाती हैं उसकी। वो सुन लिया माता पिता ने, कहते बेटा कंटिन्यू। छोड़ा नहीं, लगे रहो। लेकिन आप तो लेने आए थे। कहता बस हम विदा करने आए थे, ऑल द बेस्ट। तो इसीलिए अगर कोई व्यक्ति फुल टाइम, देखो वैसे तो बहुत कम विरले ही होते हैं, ये ग्लैमर की दुनिया में कहां कोई ज्वाइन करता है बाबा, इतना ग्लैमर चारों ओर। अगर किसी का थोड़ा हल्का फुल्का रिजॉल्व होगा भी ना, वो भी डाइल्यूट कर देता है ये ग्लैमर। लेकिन आप कुछ ऐसे विरले होंगे जो कि फुल टाइम आर्मी को ज्वाइन करने के लिए आएंगे। यस, तो देश के अंदर हालांकि जैसे बीएसएफ के नौजवान माइनॉरिटी में होते हैं, 99.99% तो लोग सिविलियंस ही हैं, उसी तरह से 99.99% लोग तो कलयुग में गृहस्थ ही रहेंगे। लेकिन 0.01% कुछ बीएसएफ के नौजवान भी चाहिए ना, भक्ति सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ। तो इसलिए भक्ति सिक्योरिटी फोर्स के कुछ लोग हमें चाहिए, फुल टाइमर्स। यस, डेडिकेटेड तन से मन से। अब धन तो उन्होंने खैर छोड़ दिया, खैर बोला, पर अकिंचन वित्ताय कृष्ण, जो अकिंचन है उनके वित्त हैं, उनका धन है कृष्ण। तो कुछ ऐसे भक्त भी निश्चित रूप से चाहिए होंगे। यस, और ऐसे लोग हमने देखा है क्वालिटी में, जो रियली सब्सटेंशियल ब्रह्मचारी, वी सी सो मच इन इस्कॉन एक्चुअली। और साधु समाज की इज्जत अगर बढ़ाई है तो इस्कॉन ने बढ़ाई है। पहले गेरे कपड़े का मतलब या तो चमड़ी से प्यार या दमड़ी से प्यार, साधु मतलब वही। लेकिन आज हम देखते हैं साधु समाज की इज्जत बढ़ी है, तो इस्कॉन में साधुओं का बहुत बड़ा इसमें हाथ है निश्चित रूप से, कि लोग जानते हैं यस साधु मीन्स। एस्पेशली आई सीन इस्कॉन के जो डिवोटीज है ना, जो ब्रह्मचारी हैं, दे आर रेस्पेक्टेड एवरीवेयर। हम जब कभी जाते किसी ब्यूरोक्रेट से मिलने के लिए, किसी नेता से मिलने के लिए, 90% केसेस में वी आर कॉल्ड आउट ऑफ द क्यू, मतलब हम क्यू में है, हमारे पहले और भी लोग हैं। पर अगर अंदर खबर जाती है इस्कॉन से कुछ हरे कृष्णा डिवोटीज आए हैं, उनको पहले भेजो, एंड देन वी आर कॉल्ड आउट ऑफ द क्यू। दिस शोज दैट साधु समाज की इज्जत अभी भी है और बढ़ रही है, बढ़ रही है। इनफैक्ट गृहस्थ डिवोटीज का देखना, धोती कुर्ता पहन के अगर गृहस्थ डिवोटीज बाहर रहते हैं, ये देख के भी लोगों को प्रणाम होते, कहते ये आप ऐसे ही रहते हैं, आप कहाँ काम करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट में ऐसे, वाओ। तो इस तरह से साधु समाज की इमेज अच्छी होती है व्हेन वी वियर साधु वेश। अगर हमारे जितने गृहस्थ डिवोटीज हैं, दे ऑल वियर धोती कुर्ता ओनली, शॉपिंग करने जाएं धोती कुर्ता पहन के जाएं। लेट्स चेंज द ट्रेंड, ये पैंट शर्ट जीन्स इसको निकाल दें हम लोग, लोगों के जीन्स में जो घुसी पड़ी है ना जीन्स, वहां धोती कुर्ता डालने का है। तो इसीलिए धोती कुर्ता पहनने का, साधु यस, चाहे गृहस्थ हो ब्रह्मचारी हो, यस। तो इसीलिए इस प्रकार से वी शुड नो दैट हमें सुन करके सीखना चाहिए। देखिए सुन के सीखने के बाद ना लोग अनुभव से जल्दी सीख लेते हैं, अगर कभी अनुभव भी करना पड़ता है व्यक्ति जल्दी यू टर्न मार लेता है। ये अनुभव की जो दुनिया है ना, बड़ी गहरी बड़ी विशाल दुनिया है ये, तो इसलिए उसके उस चक्कर में रहे अगर तो बड़ा मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा कि हम अनुभव से सीखेंगे। सो वी शुड अल्टीमेटली ट्राई टू बिकम वेरी गुड ब्रह्मचारी। सो एवरी गृहस्थ शुड ऑल्सो प्लान वानप्रस्थ आश्रम, क्योंकि जो यहां अच्छे ब्रह्मचारी रहते हैं जगत के अंदर, उनको गोलोक वृंदावन में गृहस्थ बनने का मौका मिलता है, ट्रांसेंडेंटल गृहस्थ। लेकिन यशोदा मैया नंद महाराज यार गृहस्थ, नारद मुनि यहां पर है लेकिन वहां वो शिवास ठाकुर है गृहस्थ,
So everyone should aspire to become a very good, solid, uncompromising, avyabhicharini bhakti wala brahmachari. Those who are brahmachari, continuous brahmachari, those who are grihastha, one day plan for one prastha life. That means no sex life. Brahmachari jivan. Yes. Brahmachari jivan revisited. Usko bolte hain one prastha life. तो इस प्रकार से हम अच्छे ब्रह्मचारी रह करके भक्ति भजन में रहेंगे, देन बाय कृष्णास मर्सी वी गेट द चांस टू बिकम ट्रांसेंडेंटल गृहस्थास इन गोलोक वृंदावन. तो हमसे कौन कौन चाहता है ट्रांसेंडेंटल गृहस्थ बनना इन गोलोक वृंदावन? अरे वो तो वो फोकट में नहीं होता, कुछ करना पड़ता है उसके लिए. सो दिस वे वी कैन बिकम ट्रांसेंडेंटल गृहस्थास. जैसे भगवान श्री कृष्ण जब गोपियों को बोल रहे हैं आप लोग गृहस्थ हो, आपके हस्बैंड्स हैं, आपको जाना चाहिए वापस. ये जो गृहिणी होती है जो अपने पति की सेवा करती है, अपने पति का कहना मानती है, उसके प्रति वफादार रहती है, उसका मन हमेशा अपने पति में रमता है, ऐसी जो स्त्री होती है बड़ी तेजस्वी होती है, ओजस्वी होती है. इसलिए आपको यहां पर अंधेरी रात में मुझसे मिलने के लिए नहीं आना चाहिए. तो जो तपस्विनी होती है जो अपने पति के प्रति वफादार रहती है, उसका मन हमेशा पति में रहता है, इसलिए उसके पास सब प्रकार का ऐश्वर्य होता है, वो सारे तपस्वियों में सर्वश्रेष्ठ होती है. भगवान ने अच्छा प्रवचन दिया. उसको गोपियों ने कहा हाँ जी आपने स्टोरी सुनाई, अच्छा उपदेश दिया, अब थोड़ा हमारा उपदेश सुनिए. एक बार एक पति था, वो ना अक्सर बिजनेस के लिए जाया करता था, और क्योंकि पत्नी जो है अपने पति की परमिशन के बिना कुछ पाती नहीं है, तो इसलिए उसने अपनी एक मूर्ति, अपना एक विग्रह रखा था घर पे. तो उससे पूछा करती थी क्या मैं अब भोजन प्राप्त कर लूं, तो भोजन प्राप्त कर लेती थी. लेकिन ना जब पति वापस आ गया तो पति से पूछा कि ना क्या अब मैं भोजन प्राप्त कर लूं. उन्होंने बोला अरे तुम्हारा ये बुत है तो सही, तुम इससे पूछ लो ना कि जब असली पति आ गया है तो इस बुत की भला क्या आवश्यकता है. तो गोपी ने बोला हमारे असली पति तो आप हैं, तो उनकी भला क्या आवश्यकता है. सो यू आर आवर रियल हस्बैंड. सो दिस इज ट्रांसेंडेंटल गृहस्था. यस. तो नारद मुनि का उपदेश पालन करके जो हम जिस जीवन को स्वीकार करेंगे अल्टीमेटली दिस विल एंटर इन टू ट्रांसेंडेंटल गृहस्थ लाइफ. ऑलराइट, आई स्टॉप हियर नाउ. हरे कृष्णा. किसी को प्रश्न है तो सबसे पहले मैं प्रभु जी से रिक्वेस्ट करूंगा. सीधा प्रभु जी से, प्रभु जी कुछ बोलना चाहे. हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद. तो इस श्लोक में दक्ष क्या कह रहे हैं कि हम तो कर्म संध हैं. कर्म संध का मतलब है कर्म से जुड़े हुए हैं. हम साधु हैं, गृहमेधी नाम, हम गृहमेधी हैं, हम साधु हैं. तो गृहमेधी का मतलब है घर में अपने सीमित रहते हैं, घर से बाहर ज़्यादा नहीं निकलते हैं, और हम दूसरों को कुछ उल्टा प्रचार नहीं करते हैं. हम गृहमेधी नाम, हम साधु हैं. कृतमानस दुर्मर्शन. लेकिन आपने जो मेरे साथ, हमारे साथ जो किया है वो विप्रियम यानी बहुत अप्रिय किया है. दुर्मर्शम जो सहन करने योग्य नहीं है, लेकिन मर्शितम लेकिन सहन किया हमने. तो हम इतने साधु हैं कि जो सहन नहीं किया जा सकता वो भी हमने सहन किया. तो दक्ष ने कैसे सहन किया, क्योंकि बताएं अजय ने परेशांत होता, ब्रह्मा जी ने उनको सांत्वना दी थी, दक्ष को ब्रह्मा जी ने सांत्वना दी थी. अब यहाँ पर एक बड़ा रहस्य है कि ब्रह्मा जी भी दक्ष के पक्ष में भी कुछ नहीं बोलते हैं, नाराज जी के पक्ष में भी कुछ नहीं बोलते हैं, दक्ष को सांत्वना देते हैं, कोई बात नहीं दोबारा आप पुत्र उत्पन्न करो. तो इसका क्या कारण, क्या है रहस्य, क्या है कि दक्ष को जो है ब्रह्मा जी मतलब इस प्रकार से नहीं बता रहे हैं कि नारद जी के पक्ष में बोले कि भाई उन्होंने सही किया और तुम बुरा ना मानो, लेकिन दक्ष को सांत्वना देते हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो गया, लेकिन अब जो है तुम आगे और संतान उत्पन्न करो. और दक्ष की जो है जो संतान है वो इतनी शुद्ध चेतना में वो संतान उत्पन्न होती हैं, वो प्रजापति हैं. दक्ष प्रजापति हैं, और प्रजापति उसी को कहा जाता है जो शुद्ध चेतना में संतान उत्पन्न करे. और दक्ष के द्वारा उत्पन्न हुई संतान है इतनी शुद्ध चेतना में थी कि नारद जी ने उनको सोचा कि ये तो वैकुंठ जाने लायक है. और फिर इतनी संतान जो है अगर वैकुंठ के रास्ते में गई है तो दक्ष के लिए तो फिर वैकुंठ बिल्कुल निश्चित, क्या बिल्कुल निश्चित है. और दक्ष की इन बातों को नारद जी भी सुन रहे हैं और सहन कर रहे हैं. सहन क्या, बल्कि आदर कर रहे हैं, आदर कर रहे हैं.
नारद जी भी स्वीकार करते हैं, उनके शाप को आदर पूर्वक स्वीकार कर रहे हैं नारद जी उनके शाप को, है ना। तो एक दृष्टि देखा जाए तो प्रभुपाद भी इसी प्रकार से जो जिन भक्तों के माता पिता को प्रभुपाद ने मतलब भक्त बनाया, जबकि वो भक्त नहीं थे, बिगड़े हुए थे, उनको भक्त बनाया, और उनके जो माता पिता हैं वो अपने पुत्रों पर आसक्ति के कारण प्रभुपाद को श्राप दे रहे हैं, तो एक गुण प्रभुपाद उनका भी देख रहे हैं। इनका क्या गुण है? ये जो जिनको प्रभुपाद ने भक्त बनाया है, हैं, शुद्ध किया, अब उन पर अगर माता पिता अगर आसक्त हैं और प्रभुपाद के ऊपर क्रुद्ध हैं, तो प्रभुपाद उनका दोष ना ले करके उनका गुण ले रहे हैं कि अपने पुत्र में आसक्त हैं। सैव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। आसक्ति जो है अगर साधुओं के प्रति हो जाए तो मुक्ति का द्वार है, तो उनके पुत्र जो है साधु बन गए और पुत्र में आसक्त हैं। प्रभुपाद पर वो जो है क्रुद्ध हो रहे हैं, प्रभुपाद उसको सहन कर रहे, उसका दोष नहीं मान रहे, प्रभुपाद वो दोष नहीं माने, प्रभुपाद की इतनी उदारता है, वो उनका गुण देख रहे हैं, और गुण क्या है कि अपने पुत्रों पर जो है वो आसक्त हैं, आसक्ति के कारण प्रभुपाद को जो है वो श्राप दे रहे हैं, और प्रभुपाद उनके श्राप को आदरपूर्वक स्वीकार कर रहे हैं, और प्रभुपाद कहते हैं ये श्राप जो है मैं अपनी शिष्य परंपरा में स्थानांतरित करता रहूंगा, इस प्रकार से श्राप भी चलता रहेगा। तो इसमें क्या है ना कि एक बड़ा रहस्य है कि क्या मतलब दक्षी की स्थिति, उन्होंने भगवान को प्रसन्न भी किया, और भगवान को जब प्रसन्न किया तो हंस को स्तोत्र में उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया, और बहुत उसमें गहराई है, भक्ति की बड़ी गहराई है। लेकिन अंत में उनकी जो स्तुति है उसमें वो कहते हैं सा ईश्वरों में कुरुताम मनोरथम, वो ईश्वर जो है मेरे मनोरथ को पूरा करें, मतलब पूर्ण समर्पण नहीं है, दक्ष का पूर्ण समर्पण नहीं है, उनका अपना मनोरथ है, वो ईश्वर जो है मेरे मनोरथ को पूरा करें। और फिर भगवान जो है जब दर्शन देते हैं दक्ष को, तो उनके दर्शन से बहुत प्रसन्न भी होते हैं, है ना, लेकिन अब स्तुति नहीं करते क्योंकि वो समर्पण नहीं है, उनका एक मनोरथ है, तो वो वह प्रजापति का पद लेना चाहते हैं, प्रजापति बनना चाहते हैं। तो दक्ष इस दृष्टि से बहुत सुरक्षित हैं, लेकिन तो भी वो पूर्ण समर्पण नहीं है उनका, उनमें उनकी कर्मों में आसक्ति है। अब इसके पीछे क्या रहस्य है कि जिस समय दक्ष ने शिवजी को श्राप दिया था, तो शिवजी के जो गण हैं नंदी हैं, तो उन्होंने श्राप दिया दक्ष को कि ये जो है जन्म जन्म जो है कर्मों में आसक्त हो, कर्मकांड में आसक्त रहे। तो वो कर्मकांड में जो आसक्ति उनकी जो है दूसरे जन्म में भी है, तो वो नंदी का शाप, तो शाप के कारण दक्ष जो है मतलब इसमें बंधे हुए हैं, इस आसक्ति में बंधे हुए हैं, लेकिन साथ साथ भगवान की भक्ति भी जो है इतनी है कि वो सुरक्षित भी हैं। और प्रभुपाद का जो तात्पर्य है वो बहुत रक्षा करता है, क्योंकि भागवत की कथा में सुखदेव गोस्वामी भी कुछ इस संबंध में अपनी टिप्पणी नहीं कर रहे हैं दक्ष के जो है पक्ष में या नारद जी के पक्ष में, सुखदेव गोस्वामी कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। तो कोई व्यक्ति पढ़ेगा तो जो है इस तरह से भी सोचेगा, जैसे कि दक्ष बोल रहे हैं इस तरह से भी सोचेगा। तो प्रभुपाद जो है जो हमें तात्पर्य दे रहे हैं वो प्रभुपाद के तात्पर्य से हमें दृष्टि मिलती है। तो प्रभुपाद के जो तात्पर्य हैं श्रीमद् भागवत में, ये बहुत बड़ा जो है प्रभुपाद का योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने तो मंदिर भी बनाए और भक्त भी बनाए, सब कुछ बनाए, लेकिन फिर भी जो तात्पर्य है वो सबसे बड़ा प्रभुपाद का जो है योगदान है कि उन्होंने हमको वो दृष्टि दी, जो कि दृष्टि हमारे पास नहीं है, हम नहीं समझ सकते इस प्रकार से। तो जो लोग वैसे भागवत का पाठ करते हैं तो भागवत का पाठ करते करते आगे बढ़ जाते हैं, और उसमें उनके मन में भी कोई दक्ष के प्रति भी कुछ वो नहीं आता है कि भाई ये अज्ञान है, ये अज्ञान में कुछ बोल रहे हैं ना। तो दक्ष का कहना है वो अपनी जगह सही है, है ना। नारद जी जो कर रहे हैं तो नारद जी के प्रति भी कोई ऐसी बात नहीं, उनके विरुद्ध भी कोई बात नहीं सोचते हैं, दक्ष के विरुद्ध भी कोई बात नहीं सोचते हैं, और वो कथा जो है मतलब चलती रहती है। लेकिन प्रभुपाद हमको प्रत्येक तात्पर्य में जितने भी जो है दिशा देते हैं वो एक ही दिशा देते हैं कि हम कृष्ण के शरण में जाएं, कृष्ण की शरणागति। तो
फिर प्रभुपाद की जो विशेषता है वो मतलब क्या है कि आज के समय में ये प्रभुपाद की ये जो देन है ये बहुत बड़ी देन है, बहुत बड़ी देन है। श्रीमद् भागवत के तात्पर्य ही जो है मतलब बड़ी चीज है, नहीं तो मूल श्लोकों से आप जो है कुछ नहीं समझ पाएंगे। तो प्रभुपाद कई बार अनुवाद में भी जो है क्या करते हैं, उसका जो है भाव बदल देते हैं, शब्द बदल देते हैं, अनुवाद में भी शब्द बदल देते हैं, है? कि जो अनुवाद उनका श्लोकों का है तो वो शब्द के अनुसार अनुवाद नहीं होता है, बल्कि वो भी जो है भाव के अनुसार प्रभुपाद अनुवाद देते हैं। तो इस संबंध में क्या है, कोई अगर प्रभुपाद के बारे में अगर शिकायत करे कि इन्होंने जो है श्लोकों के अनुसार अनुवाद नहीं लिखा, शब्द के अनुसार अनुवाद नहीं लिखा, कुछ जो है अपनी ओर से बदला है, है ना, तो कोई व्यक्ति अगर इस प्रकार से प्रभुपाद के बारे में अगर शिकायत करे तो प्रभुपाद उसको भी सहन करते थे, प्रभुपाद उसको भी सहन करते थे। लेकिन प्रभुपाद ने क्या कहा कि मुझे कृष्ण ने जो बोला वो मैंने लिखा, कृष्ण ने मुझे व्यक्तिगत रूप से जो है शब्द बोले और मैंने वो लिखे, कृष्ण हैज पर्सनली डिक्टेटेड मी। तो इस तरह से प्रभुपाद ने ये कार्य किया। चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन, चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन जो है फैलना चाहिए, तो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के अनुसार, चैतन्य महाप्रभु की इच्छा के अनुसार प्रभुपाद ने ये जो तात्पर्य दी है इससे जो है ये चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन जो है बढ़ेगा आगे। तो इसलिए ये जो कार्य है ये प्रभुपाद ने जो किया वो न भूत और न भविष्यति, न पहले किसी ने किया और ना आगे कोई कर सकता है ना। तो ये जो है प्रभुपाद का एक बहुत बड़ा जो है योगदान है जो उन्होंने हमें श्रीमद् भागवत के तात्पर्य दिए। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। किसी को प्रश्न है? वी विल टेक यू क्वेश्चंस नाउ। हाँ यस बधाई प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी जैसे कई भक्त जो ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन करना चाहते हैं और कई भक्त ऐसे हैं जो उनको ब्रह्मचारी बनाना भी चाहते हैं, परंतु सबका ये अपने अंदर वो इंट्रोस्पेक्ट करना चाहते हैं कि क्या मेरे अंदर वो गुण है कि मैं ब्रह्मचारी आश्रम को ज्वाइन कर सकूं, और जो भक्त काउंसिल कर रहे होते हैं उन्हें भी समझ नहीं आता है कि इनको बोलें या नहीं बोलें, तो क्या क्या गुण प्रभु जी देखने चाहिए कि किसी भक्त? मैं तो कहूंगा जितने यूथ है सबको ब्रह्मचारी बन जाना चाहिए। आप ज्वाइन कर लो, आप 2-2.5 साल रह लो, आप लोग अभी सूट कर गया कंटिन्यू करो, आगे जाकर संन्यास लो, बहुत बड़ी बात है। मान लो कल कहना ही है कहा ये चटाइयों पे सुलाते हैं हमको यार, कहा ये रोज सेम कलर का कपड़ा बार बार, खुद के कपड़े खुद ही धोने पड़ते हैं, अपने से नहीं होने का यार। हमें चाहिए हम जाए कुछ कमाए धमाए, कुछ झंडे गाड़े, शाम को कोई जब घर पहुंचे तो कोई पूछे अजी दिन कैसा बीता, चाय पी होगी, चाय बना दूं, हर्बल टी पियोगी, पकौड़े बना दूं, ये उसमें हमको लगता है यार दैट विल बी नेचुरल फॉर मी, कोई बात नहीं छोड़ दे आशा शादी कर ले। हमारे IGF में कई माताएं हैं, वो वेट करेंगे कोई अच्छा भक्त हो धार्मिक भक्त हो तो शादी करा देंगे, नीचे गोंदा में शादी हो जाएगी, आप हर कॉन्ग्रेगेशन में आप बन करके करते रहो, और आपको पसंद आ गया भैया तो बहुत ही बढ़िया, सो वेलकम टू द गैंग ऑफ ब्रह्मचारीज, नाइस। तो इसीलिए जितने भी यूथ हैं सबको ज्वाइन कर लेना चाहिए, रहो 2-2.5 साल रहो, देख लो अच्छा लगे कंटिन्यू, नहीं लगे लड़की हम ढूंढ देंगे यार, कर देंगे तेरी शादी, नो प्रॉब्लम। तो चित भी आपकी पट भी आपकी, ठीक है। लेकिन कुछ तो मतलब ये ब्रह्मचारी जीवन लेकिन एक्सपीरियंस जरूर करना चाहिए, कुछ तो सुनहरी यादें रहनी चाहिए ना जीवन में, तो इसीलिए एवरीवन शुड जॉइन, ठीक है। कोई ऐसा देखना नहीं कि ज्वाइन कर सकता है नहीं कर सकता, कहता भाई कर ले, 2-2.5 साल And on the other side, Draupadi was like, she was also a Vaishnavi and she had forgiven Ashwatthama for killing the 5 sons.
So what attitude we should follow out of like two, if there are two situations out of this, so what solution should we get out of it? We should forgive or we should like take revenge of that? And the another question that I would like to ask, that as you mentioned one term, Akinchana Vittaya, which is from the teachings of Maharani Kunti, she actually surrendered herself to Lord Krishna, and at last she said that like, you are my everything. So how we can get that much of surrenderance, and how we can surrender, like the epitome of surrender is shown by the attitude of Maharani Kunti. Yes. So how we can become so much surrender to the Lord? That's okay. So first is that regarding Kunti, sorry, regarding Arjuna and Draupadi. Draupadi could forgive. So hame bhi fir maaf kar dena chahiye. How could she forgive? Wo kya bolti hain? Wo bolti hain ki main Ashwathama ko nahi, main nahi chahti uski mrityu ho. Kyun? Because I can understand the pain of the death of the sons. Putron ka agar vadh ho jaye, dehant ho jaye, unki mrityu ho jaye, ek maa ko kitna dukh hota hai. Main nahi chahti ki Ashwathama ki maa ko dukh mile. So empathy is a beginning. Hum jab kshama kar pate hain, usme empathize karna chahiye. Yani ki vyakti ko dusre vyakti ke परिस्थिति में खुद को डाल के स्थिति को देखना चाहिए. दैट्स द बिगिनिंग. उसके बाद हमको क्षमा करना आसान होता है. अब क्षमा करने के बिना फिर चार ऑप्शंस हैं. एक है फॉरगिव एंड फॉरगेट. माफ किया और भूल गए, ये दिस इज बेस्ट. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, सामने वाले व्यक्ति ना दोबारा सुधरा है नहीं सुधरा है कुछ पता नहीं. सो फॉरगिव, एनालाइज एंड देन यू कैन ट्रस्ट ऑल्सो. आप विश्वास कर लिया भाई, नहीं तो सुधर गया वाकई में. लेकिन तीसरी ऑप्शन ये भी, आपने देखा सुधरा नहीं है, तो क्या करेंगे? उसको माफ तो कर देंगे लेकिन डिस्टेंस रखेंगे. तो सुधरा नहीं बेटा, तो फिर से तू करेगा कुछ कार्यक्रम मेरे साथ, इसलिए इस बार के लिए माफी, अगली बार के लिए मेंटेन डिस्टेंस से रिस्पेक्ट. यस. और चौथी ऑप्शन ये कि आपने देखा भाई नहीं, ये व्यक्ति तो आक्रामक बना हुआ आपकी ओर, देन आप क्षमा भी कर देते हैं बट यू टेक सम एक्शन एज वेल, इन द सेंस उसकी काउंसलिंग किसी से कराएं, उसको समझाएं. Like that. तो इसीलिए सिर्फ फॉरगिव एंड फॉरगेट नहीं होता, इसके अलावा तीन ऑप्शंस और भी रहती हैं. ठीक है. और दूसरा सवाल क्या था आपका? कुंती महारानी जैसा समर्पण भला हमारे अंदर कैसे आएगा? समर्पण के लिए जी बड़ा सिंपल तरीका है, साधु संग सर्वशास्त्र खोए, लबालब मात्रा में साधु संग कंफर्म्ड सिद्धि होए. ऐसी है. देखिए लव मात्र साधु संघ से लव नहीं मिल पाएगा. हम लोग कलयुग के बैच है हमारा भाई, हमको चाहिए लव मात्र, नहीं लबालब मात्रा में साधु संघ. फिर आरएसी वाली सिद्धि होगी? नहीं, कंफर्म्ड सिद्धि होए. नो आरएसी, नो वेटिंग, कंफर्म टिकट. तो इसीलिए लबालब मात्रा में साधु संघ करना चाहिए हमें. दैट इज द वे टू समर्पण. हाँ जी, यस माता जी बोलिए जी. हाँ जी माता. Yes, I can hear you. Yes. Namaste. Jai Shri Prabhupada. Ye do ji, mic ka lal aage do Mahataji ji, Mataji ko. Hare Krishna Mataji. Wahan ye mic log aise hote hain, hamare sath aise hi karte hain wo. Sound ke sath hai na, kuch karma connection hai iskon devotee ka. Hum log drama karte the na stage ke pehle, check check. मेरा एक क्वेश्चन था, एक प्रैक्टिकल रियलाइजेशन हुआ लास्ट वीक में, उससे उसके बेसिस पे क्वेश्चन था. हम लोग, मैं और मेरे प्रभु यात्रा पे आए मायापुर धाम अपने गुरु महाराज के साथ पिछले हफ्ते यूएस से. तो हमने सोचा बहुत ग्रस्तों की मटेरियल अटैचमेंट्स रहती हैं, तो इस बार अपनी बेटी को छोड़ के आते हैं, एक हफ्ते के लिए जाएंगे, साधु संग करेंगे, हरी कथा कीर्तन करेंगे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, और पेरेंट्स को भी नहीं मिलेंगे, बस यही करके आ जाएंगे. लेकिन आए इधर, बहुत अच्छा रहा, बहुत मजा आया, बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस. लेकिन बीच बीच में पैंग्स ऑफ गिल्ट आते थे, पैंग्स ऑफ सेपरेशन आते थे. बेटी का मैसेज आता था कि वापस आ जाओ, मिस कर रही हूँ. तो ऐसे लगता था कि कहीं हम कुछ गलत कर रहे हैं क्या, ऐसे छोड़ के आ गए. क्योंकि जिन हमारे पेरेंट्स या बेटी के हिसाब से तो वो हम पर ही निर्भर है पूरी तरह, हम ही उनके कर्ता धरता भरता हैं. हमें पता है कि कृष्णा है सबके भरता, लेकिन उनको ऐसा नहीं लगता.
तो उनको क्या फीलिंग ऑफ अबैंडनमेंट आ जाएगी, कहीं स्पिरिचुअलिटी से दूर चले जाएंगे, तो ऐसे बीच में फीलिंग्स ऑफ ऐसे आती थी, पैंग्स ऑफ गिल्ट, मोह की वजह से कभी भी ऐसी फीलिंग्स आ रही होती है हमारे बिना, पता नहीं जी पा रहे होंगे नहीं पा रहे होंगे, पता नहीं, वैसे तो भरता भगवान है लेकिन अगर पराठा और भरता पाना हो तो मुझे भी तो बनाना पड़ेगा ना भरता, तो नहीं तो भरता ना, अहंकार विमुणात्मा भरता अहम इति मन्यते, कि भरता तो मैं ही बनाऊंगी ना, यह है अहंकार विमुणात्मा, तो इसलिए हम ही भरता है या हम ही भरता बनाते हैं, एक्चुअली ऐसा नहीं है, तो ऐसा देखो वैसे बोल देते हैं, यू नो मिसिंग यू सो मच, और उसके बाद एक पिक्चर देखने नेटफ्लिक्स ऊपर, एक पति था उसने क्या अपनी पत्नी की तस्वीर लगाई हुई थी उस पर वो डांट मारा था, लेकिन कभी यहां लगता था कहीं वहां लगता था, पत्नी भी नहीं लगता था, तो पत्नी का फोन आया, कहते आओ डार्लिंग क्या कर रहे थे तुम, कहते नथिंग मिसिंग यू, तो क्योंकि निशाना मिस कर रहा है बार बार, वो बोला मिसिंग नहीं है वो, यहां बार बार मिस कर रहा है यार, मिसिंग यू, तो मैं लगता है कि बताएं हमारे बिना दुनिया चल रही नहीं चल रही, एक कहावत है ग्रेवयार्ड इज फुल ऑफ दोस पीपल हु थॉट दैट दे वर इंडिस्पेंसेबल, कब्रिस्तान उन लोगों से भरा हुआ है उनको लगता था हमारे बिना दुनिया नहीं चलेगी, पर वो लेटे हुए अपना दुनिया चल रही थी और ज्यादा बढ़िया चल रही है, उनकी वजह से थोड़ा रुक रुक के चल रही थी, वो लेट गए हम और चीज चल रही है, तो हमें ऐसा फीलिंग ऑफ गिल्ट आएगा कि मे बी आई एम नॉट, अरे सबकी लाइफ चलती है, इसलिए जैसे ब्रह्मचारी जो करते हैं ना उनकी माँ बोलती है अगर तुमने बंदे ज्वाइन किए तो मैं जहर खा लूंगी, मैं जहर खा लूंगी, एक ने नहीं खाया आज तक, कोई जहर नहीं खाता जी, सबको जिंदगी प्यारी अपनी हो रही है, कहा नहीं आना ना जा मर पिटे जो करना दूर खट्टे हम तो जी हैं, तो कोई बड़ा हमको मिस कर रहा है ना, ना 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 कुछ नहीं, ये तो वैसे हम बोल देते हैं Miss you so much. Love you so much. Well, life सभी गलती रह रही है और क्या, नहीं तो जैसे आप उस में ना आए, आप यहाँ पर आए हरी कथा हरी कीर्तन करें, आप भी बोल रहे थे मिसिंग यू सो मच, उसके उसमें एक हार्ट ही बना के बैठे, चलता है दुनिया के अंदर, तुम्हारे इमोशंस किसके लिए, राधा पार्थ सारथी के लिए, यस, बाकी दुनिया के लिए करना पड़ता है, हाँ जी, और यस हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं आपको 3 साल से YouTube पर क्लिप्स पे सुन रहा हूँ, आज मेरा ये सौभाग्य प्राप्त हुआ आपके मुखारविंद से, नहीं प्रभु जी मेरा आज सौभाग्य प्राप्त हुआ आपको मुखारविंद से ये इतना ब्यूटीफुल लेक्चर सुनने के लिए मिला है। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है कि आज तो हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में हैं और सही और गलत में फर्क कर पा रहे हैं, लेकिन पास्ट में हम कहीं ना कहीं ऐसे नहीं थे, कुछ हमसे कर्मा ऐसे हुए हैं, कुछ हमसे ना चाहते हुए भी कुछ पाप ऐसे हुए हैं कि जिनका हमें आज गिल्ट होता है, ऐसा लगता है कि कृष्णा हमें माफ़ करेंगे या नहीं, आगे जाके हमें उनका कर्मा भोगना पड़ेगा, तो प्रभु जी उसको कैसे न्यूट्रलाइज और कट आउट करें कि वो हमसे हो पाए। आप 1866 को पढ़िए, आप एकदम संतुष्ट रहेंगे। सर्व धर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम रज और नाम एकम शरणम रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मुक्षिष्यामि। विश्वास करो, डरने की बिल्कुल भी लोड़ नहीं है प्रा, मैं तेरे सारे पापा नु हर लांगा, तू मेरी इकलौती शरण आ जाते देख मैं की कर दा, तो इसलिए कोई चिंता करने वाली नहीं, जो हो गया हो गया, राइट, एक कहा होता है ना एवरी सेंट हैज अ पास्ट, यानी हर संत का एक अतीत होता है जो वो संत नहीं था, एंड एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर, यानी हर पापी का भी भविष्य होता है जो वो पापी नहीं रहता वो संत बन जाता है, तो इसलिए हम कभी थे बिल्कुल, हम सब प्रकार के दुनियादार में लोगों ने काम किए होते हैं, किसी को लाइन मारी, किसी को स्क्वायर मारा, किसी को हाइपर बोला, किसी को पैरा बोला किया, लेकिन आज हरी बोला, हरी बोल, हरी बोल, सो वाई वरी व्हेन देयर इज लॉर्ड हरी, आगे पहुंचो।
हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम. प्रभु जी, आपने लेक्चर में बताया कि जैसे कुछ पेरेंट्स होते हैं भक्त बनने के बाद वो साइकेट्रिस्ट के पास आ जाते हैं या कुछ ऐसा, तो प्रभु जी इसी में मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर बच्चे भक्त बन जाते हैं एंड पेरेंट्स दे गो टू सम ब्लैक मैजिशियन और बोलते हैं कि इनकी भक्ति छुड़वा दो कुछ करके ऐसे, तो अगर वो कुछ रिचुअल्स करते हैं तो क्या उससे भक्त पे इफेक्ट पड़ता है और क्या उससे भक्ति होगी, उसके क्या इफेक्ट पड़ेगा और ऐसे में भक्त को क्या करना है, मतलब ब्लैक मैजिक कुछ रिचुअल या एस्ट्रोलॉजर के पास या कुछ. ब्लैक मैजिक क्या, यहाँ कीर्तन में नाचो पसीने तरबतर हो वही भूत प्रेत पिशाच वैसे निकल लेते हैं, बल्कि वो भी ज्वाइन कर लेते हैं. एक ने ज्वाइन किया, छह ज्वाइन किया, कहते हैं कैसे कैसे, पांच और थे भूत प्रेत पिशाच थे वो भी ज्वाइन करे. कुछ नहीं, इसलिए ब्रह्मचर्य ज्वाइन करे. कौन लिखा है कि आगे नाचे कूदे पसीने तरबतर होकर के प्रसाद पाए जय राधेश्याम, हो गया. कुछ भूत वगैरह से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो खुद ही हो गया है. कोई भूत वगैरह कुछ नहीं होता, ठीक है जी. एट द मैच होगा कोई आपके साथ रह लेगा, कहता भाई थोड़ा हरे कृष्णा करता है हम भी थोड़ा सुन ले साथ में, बस दैट्स इट. जैसे कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है. सर्वप्रभु की बड़ी फेमस स्टोरी है, अब जानते ना माया उसने शेयर किया, चुड़ैल से कैसे बचा हुआ है. एक अन्नपूर्णा नाम की माता थी, रशिया में थी, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करती थी, उनको जेल में लेके गए, अरे तो और वहाँ प्रीचिंग करनी शुरू कर दी, जेल में भक्त बन रहे हैं. और रशिया वो पुलिस बोले क्या पहले बाहर भक्त बनाती थी, जेल में ला गया वहाँ भक्त बना दिए, क्या करें. तो इसके ऊपर एग्जॉर्सिज्म करते हैं, तो एग्जॉर्सिज्म करने के लिए ब्लैक मैजिक होती ना, जो जिप्सी वुमन उसको लेकर के आए, उसने चुड़ैल छोड़ दी उसके ऊपर और वो हरे कृष्णा करे, वो चुड़ैल अंदर जाना चाहिए, हरे कृष्णा कर लिया, अंदर जा नहीं पा रही. पर फाइनली वो जो लेडी थी उसने बोला श्री प्रभुपाद सेव मी, तो फिर वो चुड़ैल जो थी वो वापस अपनी मालकिन के पास आई, कहता मालकिन अंदर जाना हो नहीं पा रहा है. क्यों क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या अंदर ना एक बूढ़ा व्यक्ति छड़ी लेके खड़ा है, कहता अंदर घुसी ना वो बिटने उतर रहा है. तो वहां के पुलिस वाले भी कहते हैं ऐसे कैसे, वो बोले कहता है नहीं हो पाएगा जी, ये चुड़ैल अंदर नहीं जा पा रही, कहते ऐसे कैसे चुड़ैल अंदर नहीं जा पा रही, क्या गेट बंद है ताले लगे हैं, घुस जा अंदर, नहीं बूढ़ा व्यक्ति अंदर बैठा है, पीट मत रहे वहां अंदर घुसी. तो उसे कोई ऐसा कोई डरने की आवश्यकता नहीं है कि इसने ब्लैक मैजिक कर दिया, ग्रीन मैजिक, ब्लू मैजिक, नथिंग टू वरी. एंड देयर इज नॉट हरी देन व्हाई वरी. और हाँ जी पीछे सवाल लेते हैं, यस बालकनी सीट से. हाँ जी हाँ जी, ये माइक के लाल पहुंचवा देना, उस माइक के लाल के पास. हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है, कुछ लोग जैसे खाटू श्याम की पूजा करते हैं तो उनको भगवान मान लेते हैं, साई बाबा है वो, तो उस पे आप क्या का टेक है, क्या आप क्या मानते हो उस पे? तो गीता फॉलो करते हैं, दैट्स इट. खाटू श्याम जी इसलिए हैं बरबरी के वैसे तो, राइट. बरबरी कौन बोले तो भीमसेन जी के बेटे के बेटे, घटोत्कच जी के पुत्र ना वो, इसलिए वो हमारे लिए सम्माननीय है भाई, निश्चित रूप से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है उनको. तो इस तरह से उनको संत के रूप में अगर कोई सम्मान देता है परफेक्टली फाइन, पर सोचे बरबरी की भगवान कृष्ण है, एक्सक्यूज मी, मतलब कहां से, बाय व्हाट कैलकुलेशन, कहां से निकालेंगे. तो इसलिए कलयुग के अंदर ऑफ कोर्स कुछ भी चलता है, तो इसलिए कोई साईं बाबा को भगवान मान लेता है, वो इनको भगवान मान लेता है. आज इंडिया के अंदर 11 कल की अवतार और 6 चैतन्य महाप्रभु घूम रहे हैं आज. मैंने तो एक चैतन्य महाप्रभु को देखा भी, ओए बढ़िया पेट निकला हुआ उसका, गंदा मतलब साबुन से मतलब शरीर नहीं धोया उसने, तो वो और डांस कर रहे चैतन्य महाप्रभु, महाप्रभु नाच रहे हैं. महाप्रभु का नाम है गौर सुंदर, ये है गोल सुंदर, और सुंदर भी नहीं है बस गोल ही है वो. और लोग हैं फॉलोअर हैं, आजकल की भगवान के मंदिर बने हुए हैं इंडिया के अंदर, बड़े बड़े मंदिर हैं, 25 करोड़ 30 करोड़ के मंदिर हैं, कल की अवतार भी आए नहीं, तो वाह कोई और ही. तो इंडिया में चलता है, एक बार इंडिया टीवी ने बुलाया था ये 11 कल की अवतारों को रूम में बुलाया, सीसीटीवी कैमरा लगाया चारों ओर कि डिसाइड करो असली कौन. तो सब लगे वहां, तू नकली है पाखंडी, हम असली हैं. कुछ तो अपने साथ मोटर वाला सुदर्शन चक्र भी लेकर के आए हुए थे,
बैटरी लाल करके छोड़ दूंगा तेरे ऊपर, तू क्या तेरे पास मेरे पास नहीं है क्या, उसने भी निकाल लिया नट एक का रुक गया बीच में, ओहो बैटरी चेंज करता जरा। तो इंडिया में ये तो हाल है, जिस देश में 11 कल के अवतार घूम रहे हैं आज और 6 चैतन्य महाप्रभु घूम रहे हैं, तो ये तो किसी को भगवान बना सकते हैं जी, तो ये तो कुछ भी नहीं है। इंडिया इज अल्टीमेट, ऐसी यहाँ इतनी श्रद्धा है कि श्रद्धा ओवरफ्लो हो जाती है और तो कहीं बह जाती है वो, इसलिए ऐसा है। तो खाटू श्याम जी का संत के दूर का तो आप यहाँ सम्मान कर लीजिए, भीमसेन जी के पोते हैं, बट नॉट दैट ही इज कृष्णा, ही इज नॉट। और कोई सवाल है किसी का? यस हरे कृष्णा प्रभु जी, पीछे यस। हाँ जी, एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं जी, एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस शेयर करें, पहले सवाल। अच्छा सवाल, हाँ जी सवाल। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन प्रणाम, ऑल ग्लोरी टू श्री प्रभुपाद। सो प्रभु जी, आपने आज बताया कि ब्रह्मचार्य आश्रम के बारे में और गृहस्थ आश्रम के बारे में आपने भी थोड़ा बताया, और वानप्रस्थ आश्रम के बारे में आपने बिल्कुल थोड़ा सा मेंशन किया था, तो उसमें आप ये बताएंगे कि जो गृहस्थाज हैं वो कैसे वानप्रस्थ आश्रम में कब जाएं और क्या कार्य छोड़ के। हमारे एक रोल मॉडल है, हमारे बीच में उपस्थित है, उनका नाम है अजन्मा कृष्ण प्रभु जी। ऐसे ही दोनों गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जब वो जॉब करते थे, जब वो नए नए अभी आए थे गृहस्थ, सो महाराज उस वक्त अपनी सारी सैलरी प्रभुपाद जी को दे रहे थे, तो प्रभुपाद जी ने बोला गोपाल कृष्ण ही इज मोर देन अ सन्यासी बिकॉज ही गिव्स ऑल ऑफ हिज सैलरी टू कृष्ण, और जो मंदिर थोड़ा बहुत मिलता था फॉर मेंटेनेंस दिस इज व्हाट ही वुड टेक प्रसाद वगैरह जैसे, तो प्रभुपाद जी बोले ही इज मोर देन अ सन्यासी। उसी लीनियज में आज हमारे बीच में है अजन्मा कृष्ण प्रभु जी। शास्त्र बताया गया वन शुड गिव 50% ऑफ वन सैलरी टू कृष्ण। प्रभु जी जब वर्क करते थे काम बता, तो प्रभु जी बीआरएस ले लिया, नाउ इज फुल टाइम अवेलेबल फॉर सर्विसेज, अपना जो भी उसके लिए सेविंग्स है उसी से अपना घर चलाते हैं, बट व्हेन ही वाज वर्किंग तो प्रभु जी अपनी 80% सैलरी सेवा में लगा देते थे। अब 1.5 लाख सैलरी है तो 1.25 लाख रुपए वो बेसिस में लगाएंगे, भक्तों की सेवा में लगाएंगे, बेस के व्हाइट वॉश कराएंगे, उनको प्रसाद कराएंगे, उनकी एजुकेशन कराएंगे, 1.25 लाख रुपए, और 25,000 रुपए से एक स्टूडियो अपार्टमेंट में रह करके वहां अपना घर चलाते हो। तो इसलिए तो महाराज ने बोला ही इज आल्सो मोर देन अ सन्यासी बिकॉज 50% नहीं, ये तो 80% दे रहे व्यक्ति। सो यू वांट टू लर्न हाउ टू बी आइडियल गृहस्था, वी हैव अजन्मा कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी प्लीज दर्शन पवित्र करो, ए कुमार गुण, पीपल शुड गेट टू सी हु इज अजन्मा कृष्ण प्रभु जी। उठिए प्रभु जी, ऐसे ऐसे हमारा निवेदन है आपसे। हरि बोल। तो अगर आप सीखना चाहते हैं प्रैक्टिकली कि किस प्रकार से आपका गृहस्थ लाइफ कैन बी गुड वानप्रस्थी, हियर इज अ रोल मॉडल। यस प्रभु जी, ही इज सेक्रेटरी ऑफ द टेंपल मैनेजमेंट काउंसिल एज वेल, अभी करंटली ही इज डूइंग दैट। तो इसीलिए अगर आपको जानना चाहे आइडियल हाउ कैन यू बी आइडियल गृहस्थ एंड देन हाउ टू बी आइडियल वानप्रस्थ, वी हैव वन सुपरस्टार एंड द नेम ऑफ दैट सुपरस्टार इज हिज ग्रेस अजन्मा कृष्ण प्रभु जी। ठीक है, जो भी टाइम हो चुका है, देखिए मैं समय का उल्लंघन कर चुका हूं काफी। लास्ट क्वेश्चन माता जी से ले जाए, माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी माता जी, ले जाओ। हाँ बोलिए। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, रिगार्डिंग हियरिंग प्रोसेस, एज योर ग्रेस मेंशन दैट हियरिंग इज बेटर देन थ्रू द एक्सपीरियंस, We shouldn't learn because we get lot of bitter experiences also. So how to develop the faith in hearing process so that we can take this Krishna conscious very easily, because hearing process is something that personally I feel that I have been hearing since many years, but still just through hearing it is really not possible to experience this Krishna conscious process very sincerely as long as I do not get any punishment. So through experience we learn, I understand, but through hearing I feel that my faith is less probably, or Shraddha is less, because of that I am still not very
sincere in Krishna consciousness. So how to attain that Shraddha in Krishna? You can do that by attentively chanting Hare Krishna Mahamantra and along with acquiring knowledge. When you acquire knowledge, in parallel when we chant Hare Krishna, then by chanting Hare Krishna Mahamantra, we get the supra-cognitive abilities to digest that knowledge which is beyond our cognition. So that's why you should attentively chant Hare Krishna Mahamantra. In Naam Sankirtan, you should dance for the pleasure of Shri Radha Partha Sarthi. And then they will bless you that you will have this capacity, which is transhuman, suprahuman capacity to digest that which is divine, that which is beyond us. Then you can learn. So that's why just by hearing, it's not sufficient. Hearing means following, as Srila Bhakti Samari used to say. So that's why we should follow as well. So by chanting Hare Krishna Mahamantra, we can digest knowledge even better. So by having more knowledge, our chanting becomes better. And by that better chanting, we even hear better. And when we hear better, now chanting becomes even better. And by that even better chanting, the hearing becomes even more better. In this way, there is nothing bitter. It becomes better, better, better. And ultimately the Lord, who is the thief of the butter. Right? So in this way, they are mutually nourishing activities. Okay. Okay. Thank you. It's a great privilege for us to have heard from our own dear Amogalila Prabhu. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. 110% sure, aaj koi class mein soya nahi hoga. Thank you very much, Amogalila Prabhu. He keeps coming back to his mica. His mica. So. परम सौभाग्य इनसे श्रवण करने का. आप देख रहे हैं हॉल खचाखच से भरा हुआ है पूरी तरह एंड नाम ही काफी है. सो थैंक यू वेरी मच. अब आप सबके लिए दो तीन प्रमुख सूचनाएं. एक तो सबके लिए जीवन हेतु कृष्ण प्रसाद उपलब्ध है फूड फॉर लाइफ प्लासा के समीप. आप में से कितने लोग पहली बार आए हैं? अब सबका हार्दिक स्वागत है. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Dipesh Nitya Prabhu and congregation members hai? Congregation, Dipesh Nitya Prabhu hai. Aur congregation members hai, wo aap se milenge. Prabhupad ji ke samip, kripya unse milne. Bhakti mein aage badhne ke marg, vidhi, itiyadi aapko batayenge. Kripya iska zarur laab utayen. Baki aap sab ke liye vishesh suchna hai ki din bhar karyakram chalte rahenge. Anybody remembers who's a Sunday afternoon lecture? आज दोपहर का प्रवचन है हिज ग्रेस ब्रजेंद्र नंदन प्रभु के द्वारा, जो कि इस्कॉन के नेशनल कम्युनिकेशन डायरेक्टर. कृपया उसका भी श्रवण करें और आते रहें, क्योंकि हफ्ते में एक बार कम से माना है संडे, क्योंकि संडे क्या है? थैंक यू वेरी मच. और एक संकल्प डे भी है. हिज ग्रेस मोहन रूप प्रभु बताते हैं. अमल प्रभु, डू यू वांट टू मेक देम टेक वन संकल्प फॉर स्टडिंग बुक्स और चैंटिंग और समथिंग? सम संकल्प यू मेक देम टेक. कौन कौन मानता है कि हमें हफ्ते में एक दिन मंगल आरती आना चाहिए, मॉर्निंग साधना मंदिर वाकी करनी चाहिए? कौन कौन इस बात को मानता है? हाथ खड़ा करें. अब मेरे पीछे बोली, हे प्रभु, शिष्य राधा पार्थ सारथी, हम आपको वचन देते हैं कि हफ्ते में कम से कम एक दिन मंगल आरती में, मॉर्निंग साधना में अवश्य आएंगे. और जो आलस के कारण हम ऐसा ना करें, हे प्रभु, हमारा वो हाल करना, हमारा ऐसा हाल करना कि पूछो ही नहीं. सबने कसम खाई थी कहीं ना हाथ नहीं खड़े किए, नहीं हम नहीं पढ़ेंगे कसम के चक्कर में. लेकिन जो ग्रुप एक्टिविटी होती है, कसम सब पे चढ़ दिया है. तो हफ्ते में एक दिन आना है, कृपा का हफ्ता वसूल. तो आप सबने कमेंट किया है राधा पार्षद गौरदास सीताराम लक्ष्मण हनुमान के सामने और कैमरा के सामने. तो कृपया इसका जरूर कार्यान्वित करें. आप सबका पुनः पुनः धन्यवाद. आते रहे, जुड़ते रहे. श्रीला प्रभुपाद की और डियर हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु के निधाय गौर सीतानाथ प्रभु.